हाय गाइस, आज मैं मोहम्मद हैदर इमाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एनएस कॉलेज नबी नगर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज मैं आप बीएससी पार्ट वन ऑनर्स के बच्चों के लिए ट्रेडोफाइट्स का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, लाइकोपोडियम। हम लोग इसके लाइफ साइकिल देखेंगे, इसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। लाइकोपोडियम को क्लब बॉस भी कहते हैं, ये क्रीपिंग पाइन है। लाइकोपोडियम जो है वो ट्रिस्टेरियल या एपिफाइटिक हर्बेसियस प्लांट्स है और ट्रॉपिक और टेम्परेट एरिया दोनों जगह पर ये पाया जाता है। इसके दो सब जेनरा हैं, इसके स्टेम्स जो हैं वो सॉइल के अंदर दबे हुए होते हैं, प्रोस्टेट। और इरेक्ट स्टेट में भी इसके ब्रांचेस हैं स्टेम के। इसमें रूट एडवेंटिशियस रूट्स होता है, इरेक्ट स्टेम इसका जो है वो मोनोपोडियली ब्रांच होता है। मोनोपोडियली ब्रांच का मतलब हो गया कि एक स्टेप से एक तरफ एक ही ब्रांच निकलेगा। एडवेंटिशियस रूट्स डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं दोनों तरफ। इसके ब्रांचिंग आते हैं। लीव्स आर सिंपल, सेसाइल एंड माइक्रोफाइलस। स्टेम को ये पूरी तरह से क्लोजली कवर रखते हैं। लीव्स में अनब्रांच्ड मेडियन वेन होते हैं। और इनका रिप्रोडक्शन लीव से भी वेजिटेटिवली होता है। परसिस्टेंट एपिसेस, बल्बिल्स, ट्यूबर्स, फ्रैगमेंटेशन से। स्पोर्स इसमें होमो एक ही तरह के होते हैं, स्पोर्स होमो स्पोरस। सभी स्पोर्स जो है वो एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। ये देखिए लाइकोपोडियम का रूट है, प्रोस्टेट स्टेम है और इरेक्ट ब्रांच है इसका स्टेम का। इसके ऊपर एस्ट्रोबिलस लगे हुए हैं। स्टेम पूरी तरह से लीफ से कवर्ड है। रिप्रोडक्शन की बात करें, तो ये जो पूरा डायग्राम है लाइफ साइकिल का, इसका मेन प्लांट बॉडी इसका स्पोरोफाइटिक है, ये डिप्लॉइड होता है। एस्ट्रोबिलस में स्पोरेजिया है, एक्सिस स्पोरोफिल्स हैं। ये स्पोरेंजियम स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर्स रिलीज होते हैं, उसके बाद इससे जेमेटोफाइट्स तैयार होता है।
म्यूसिस का जो डिवीजन है वो स्पोरेंजियम में ही होता है, एस्ट्रोबिलस में। इसे जो चार हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं जो एक जगह एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इसे स्पोर टेट्राड कहा जाता है। स्पोर जब डहिस होते हैं, इनका डहिसेंस होता है, बिखरते हैं, तो फिर वो अलग अलग जर्मिनेट करते हैं। हर एक स्पोर एक गेमेटोफाइट बनाता है। इसी गेमेटोफाइट पर गेमिट्स डेवलप करते हैं। मेल गेमिट को एंथेरिडियम कहते हैं, फीमेल गेमिट को आर्किगोनियम कहते हैं। ये देखिए एंथेरिडियम आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर है, ये एंथेरिडियम है आर्किगोनियम है। एंथेरिडियम स्पर्म रिलीज करता है और वो आर्किगोनियम के ऊपर से इसके अंदर इंटर करता है, इसको फर्टिलाइज करता है। इसके बाद इसमें यंग स्पोरोफाइट बनेगा या फिर प्रोथैलस प्रोटोकॉम तैयार होगी और फिर एक इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी बनाएगा जो कि स्पोरोफाइट होता है। इस तरह से ये इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। लाइकोपोडियम का पाउडर भी है जो कि एब्जॉर्बेंट की तरह इसका इस्तेमाल होता है। ये देखिए एक ग्राफिक लाइफ साइकिल तैयार किया गया है लाइकोपोडियम का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इधर तो होता है, उधर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाया गया है, ट्यूबर से भी होता है, बल्बिल से होता है, परसिस्टेंट एपिस से होता है, फ्रैगमेंटेशन से होता है। तो ये टेरोफाइट्स का जो लाइकोपोडियम है, इसे आप स्टडी करें और फिर जो प्रॉब्लम होगी वो आप हमसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।